अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी के से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे रोज रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई, बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी ऑक्सीजन के लिए, ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती, क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है, केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक तो ना छिड़क। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड योर कॉमेंट्स आर वैल्यूबल एज वेल।